ये सब कर रहे। अच्छा तेरे माँ की छूट टकले, तेरे अच्छा हाँ, अरे ये तो तेरा चेन लेके पहनता है ना, ये तो तेरा चेन यार, क्या रे तेरा चेन ये लेके जो हाँ? सोने का चेन है। तेरे माँ ने कॉलगेट ज्यादा लगाया था बड़वा? नहीं, ये जो सोनावड़े बाबू है इसका सोने का चेन लेके पहनता है, सच बता यार, सच्ची इसको क्या बोलते तेरी हैं माँ की दोस्ती चेन यार पसंद यार। हो? तेरे माँ को लेग पीस, लेग पीस पसंद है? लेग पीस पसंद है? लेग पीस पसंद है क्या तेरे माँ को? हाँ अरे सुनना, लेकिन तू नहीं, वो सब छोड़, वो पसंद है कि नहीं, लेकिन तू बचपन में मोरी में चुराता था ना, सच बता। बचपन में तेरी माँ तूने भी, तेरे बचपन एक में तेरी माँ भी मोरी में आती थी। अरे तेरे को, तूने देखा नहीं अभी एक कनाडा का फैन आया था, उसको अगर मैंने लिया, बट कुछ भी बोल यार, तूने तेरा वो जो गाड़ी है ना उसके पीछे जो तूने माँ बड़े कितना बड़े देखो, अक्षर में लिखा है ना। मोरी में गई थी फट करके, मुंती फटकर से तू बाहर देखते तो इसकी माँ की, जो तेरी माँ टेंशन में, इसकी माँ को छू तू क्या हो गया? देखते तो बड़वा तू हाफ बिरयानी पैदा नहीं, ये जो भाड़े के टट्टू पीछे हंस रहे हैं ना यार, कसम से, मतलब वो कहते हैं ना गया। यार, हाँ मतलब कोई बंदे के पीछे अगर, कैसे वो हंसते नहीं है, वो भांड, इसे ये जो हंसते हैं ना पीछे उनको भांड कहते हैं, भांड। तू जा इच्छी गांड। सुन ना, तू जो स्कूटी पे जाता है, तेरी माँ पीछे बैठी है नाइटी में, 70 रुपए वाली नाइटी पहनती है, तेरे माँ को जरा दूसरी नाइटी दिलाना जरा। अरे लेकिन मेरे मम्मी डैडी लॉस एंजलिस के हैं। इनकी चू तेरी लॉस एंजलिस में जाता है, उधर तेरी माँ गई थी कि लॉस एंजलिस घर पे आया था? अच्छा, और खारदंडा का कैसा, मच्छी, मच्छी कैसा तेरी माँ अभी भी? आती है मच्छी बेचने के लिए नहीं, तू पापलेट। मुझे एक बात बता, रत्नागिरी में जो तुम लोग, तुम्हारे जो पूर्वज करते थे रत्नागिरी में मच्छी मारी का, वो अभी भी कर रहे हैं क्या तुम लोग इधर खारदंडा में? हापुस, अच्छा, अच्छा, तो हाँ मेरे, सुनना, मेरे हापुस कब दबाएगा तू ये बता। तू मेरे गोटे चूसेगा तब। बट कुछ भी बोल यार, तू जो बिन, तू वो छमिया बन के आई थी ना यार, कसम से बहुत सेक्सी लग रही थी तू, वो जो टाइम बॉय टैंगो ऐप में तू आती है ना, मेरे को मुंबई वोट दो वोट दो, में संतरे आता वगैरह लगा के तू जो वो छमिया बन के आती है ना यार, कसम से भाव, बहुत तू हॉट लगती है, एक बार करके करके बताइयो तो डांस तेरा। क्या हंसता है? तेरी माँ ने दांत नहीं घसे थे ना नहीं जब नहीं तू वो मस गया तू, रेशमा चरे घानी लाल अच्छा काले धागा नी, कर्नाटक की कशीदा मी काढ़ी ला, हाथ न कलाऊ भाऊचा गांडी ला। अरे हाँ, तू लटक मजा अंडा ला। ये जोक नहीं था, फिर भी भाड़े के टट्टू हंस रहे यार, मतलब कसम से। तूने, तेरे ठोके है, तू बोल ना, नाक में लेगा, मुंह में लेगा, गांड में लेगा, किधर लेगा? कान में लेगा। अच्छा अभी तेरा कौन सा नए, तेरे कौन से प्रोजेक्ट है? पापड़ तोड़े थे ना वही पिक्चर आने वाला है आज। और मैंने सुना है कि तू संजय दत्त के साथ कुछ मूवी करने जा रहा है, क्या नाम क्या है मूवी का? मूवी का नाम क्या है मालूम है? दीपक कलल के माँ को चौदह हिंदुस्तानी भाव। नहीं, मूवी का नाम है मुन्ना भाई बोमबिल वाला, मुन्ना भाई सुखे बोमबिल वाला। वो नाम है 50 तोला, उसमें था ना, इसमें 50 रुपए का बांगड़ा तेरे माँ के चूत में, ये नया पिक्चर आने वाला अच्छा, और मैंने सुना है कि तू ये साइकिल की चेन को पीला ऑयल पेंट लगा के घूम रहा है यार, है। सोने की जो असली चमक होता है ना, इतना चमकता नहीं है यार, क्योंकि थोड़ा तेरे मुझे माँ ये डुप्लीकेट। नमक डाला था, दाने 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 में नमक का स्वाद। और तेरा मैंने वीडियो देखा, वो लड़की जो है ना, वो अगर तेरे ऊपर कंप्लेंट करेगी ना, तुझे पता है वुमन राइट्स वगैरह तुझे इतना नॉलेज नहीं है, तू बहुत बुरी तरह से फंसेगा। तुझे एक बात पता है, एकता कपूर और मैंने क्या किया तेरे साथ? क्या तेरी माँ चुदाया था मैंने? हाँ, तो मैं तुझे यही बोल रहा हूँ भाऊ, अभी भी मैं तुझे कह रहा हूँ, औरत जात की इज्जत कर, भले वो पाकिस्तान की हो किधर की भी हो। तुझे पता है वो साजिदा का मुझे फोन आया था, उसने मुझे कहा उसकी उसकी चूत चाटता है तू जाके साजिदा अहमद की? सनम हाँ, तो वो ऐसा नहीं, देख खान का लड़ भी नारी तूने, नारी होती है, इतना ध्यान में रख भाऊ, नारी नारी होती है, जो नारी भले वो की, कौन से भी देश की हो, नारी की हमें इज्जत करनी चाहिए। जो नारी है ना उनकी इज्जत मेरे को कैसा करना है मेरे को आता है। तेरे लाइफ पे तूने लड़कियों की कैसी तू इज्जत निकालता है ना मेरे को मालूम है। मैं कभी लड़कियों की इज्जत नहीं निकालता है, मगर क्या है मालूम है, तेरी गांड मारना ये मेरा फर्ज है और मैं मारते रहूंगा। भले मैं आज तक कभी गू की गाड़ी नहीं चलाया, मगर तेरी गू की गाड़ी कंफर्म चलाऊंगा। अच्छा, मेरे को एक वीडियो बनाना है जिसमें मैं तेरी देह धनान धुलाई कर रहा हूँ, मैं और चाहता मेरे हूँ, को वो वीडियो वायरल करने का है, तो मैं मैं बंबई चाहता आ रहा हूँ, ये बता मेरे को कहाँ पे मिलेगा? मैं चाहता हूँ कि तू आवे, मैं तेरा इंतजार ही कर रहा हूँ, तो तू कब आ रहा है ये बताना। नहीं, सुनना, लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं एक्चुअली वो ज्यादा करके मेरा साउथ बॉम्बे में घर है, नेपियन सी रोड, पेडर रोड, अल्टा माउंट रोड, वहां पे मैं घूमता हूँ। सुन ना मेरा बच्चा, तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा, कब आ रहा है तू मुंबई? मैं आ रहा हूँ, लेकिन देख
पिछली बार भी मैं आया था, मैंने तेरे को ललकारा था, लेकिन नहीं वो झोपड़पट्टी पूरी कोई भी नहीं था वो झोपड़पट्टी में। ये टाइम अगर मैं तेरे झोपड़पट्टी में आऊंगा तू ना, भी तेरे को झोपड़पट्टी में ही चोदूंगा मैं, तू कब आ रहा है सी बता। नहीं लेकिन देख तू जहां पे लाइव जाता है ना, वो तेरे घर में वो फैन वैन जोर से चलता है, मेरे को स्प्लिट एसी की आदत है, तू क्या बेच के स्प्लिट एसी लगाएगा ये बता। तेरे अगर तू माथे मेरे को तेरे घर पे इनवाइट कर रहा है ना, लगा है ना, सुनना, जियो का टावर तेरे माँ के छत पे जो लगा है ना वो जरा हटा दे, समझा? क्योंकि ना अंबानी का बहुत बड़ा लंड तेरे माँ के छत में गया, वो जरा हटा ना, समझा? अरे अंबानी का पता नहीं, तू मेरा लंबा नहीं लेगा, एयरटेल मेरा का लंड लंबा नहीं ले ले एक बार। एयरटेल का लंड तेरे माँ के छत में डाल, अच्छा है, कोने कोने में नेटवर्क जाता है। अच्छा, और तुझे एक बात पता है मेरे को क्या संबोधने वाले? अभी मुझे एक अवार्ड मिलने वाला है और मुझे कहने वाले विश्व भाऊ, हाँ क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूं। तेरे को अवार्ड है ना, अवार्ड, इतना बड़ा लंड मिलने वाला है, ऐसा गधे का लंड मिलने वाला है, वो तेरे गाने में डालते रहना, लोकन का नहीं रहेगा वो सारे मिक्स करके। देख क्या है मालूम है, इधर से लंड फेंक के मारूंगा ना, तेरे आधी खानदान प्रेग्नेंट हो जाएगी, समझा? तो ये तो मेरे को बहुत पुराना डायलॉग लग रहा है यार, हाँ मतलब ये डायलॉग इतना नया नहीं लग रहा है। तो नया लेना झाटे के साथ। अच्छा, तूने ये नहीं सुने हैं कि आपने ये कमेंट्स देखना कि दीपक कलाल ने हिंदुस्तानी भाव की जम के ली, हिंदुस्तानी भाव को पेला वगैरह? तेरे को तू पढ़ता नहीं है तो तुझे ऐसे फील नहीं होता है कि भाई हिंदुस्तान में एक लड़का है जिसने तेरी मारी दबा कर? हाँ नहीं, सच्ची बता, ये बात तू मानता है कि मैं तेरे ऊपर भारी हूं, ये बात तू मानता है? तेरे जो तू डायलॉग देता है ना, तो कभी कभी शक ना मेरे को जॉनी लीवर पे आता है। अच्छा, अनारकली का फोन है, दीपक कलाल को चोदना जरूरी है, मालूम है अभी ये डायलॉग? लाइव होने के बाद ये वापिस चैन लौटा देगा क्या सोनावने भाव को? अच्छा, ए तेरी माँ की चूत, तू गलत बात मत करा। नहीं 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 तेरी बहन की चूत, तेरी मेरे से बात कर। बोलना झाट के चौथे बल। और वो नहीं, वो बोलना भूल गया, टूटा हुआ। काम करना, मैं हर महीना ना झाटे निकालता हूँ इतने बड़े बड़े साइज के, तू तेरे बाल पे लगा ना, डोनेट करेगा, इधर लगा टकले पे लगा और डोनेट करेगा, राई का तेल के सब लगा देगा। क्या करना मालूम है, कापूर और ना राई का तेल रात भर भिगा के रखना, फिर उसमें मेरे झाटे डालना, फिर वो ऐसा करके ना, सिर्फ रोज ऐसा करना, रोज तेरे सर पे झाटे उग जाएंगे, तो 1 महीने का गारंटी। तू इतना गंदा कैसा है? तू किधर पैदा हुआ रे? क्योंकि क्योंकि ना क्योंकि क्या है मालूम है, मैं गु की गाड़ी चलाता हूँ ना, तेरी गांड मार के मारते 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 थोड़ा गंदा हो गया, क्या करेगा, अच्छा नहीं लगता है मेरे को भी, मगर तेरी गांड ही ऐसी है, अच्छा लगता है, म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी चलाना पड़ता है। बाप रे, फरमाइश फरमाइश। अगर ये वीडियो संजय दत्त ने देख लिया ना, बिन तो कसम से मैं कह रहा हूँ, बहुत, मतलब तेरे को वो कंपाउंड वॉल में भी नहीं घुसने देगा। मालूम तेरे गांड में 50 तोला डालेंगे, मेरे को भी मालूम है। बोल। नहीं रे, मतलब मैं हार गया रे, क्योंकि मेरा जो संस्कृति है, क्योंकि देख मेरे मम्मी डैडी लॉस एंजलिस से, ये बात तू मानता है, तो कहीं ना कहीं यार, मतलब मैं कहाँ पे जीत पाऊंगा यार? पर कैसा हार सकता है तू, आज मैं पहली बार मूड में तेरी माँ को चोदने के। और तू हार गया कैसा? नहीं, मतलब कैसा है ना कि मेरा जो स्टैंडर्ड है ना, वो मेरे को, क्योंकि मेरा जो लाइव है ये पारिवारिक लाइव है, यहाँ पे पारिवारिक, पूरे देश, अभी थोड़ी देर पहले कनाडा का बंदा आया था, देखा तूने? तेरी माँ को चोदने, वो कैंडी कैंडी क्रश तेरी माँ की चुत में डाला था, वही कनाडा का था ना वो। हाँ अरे कुछ तो शर्म कर, तू जो ये ऐसे बोल रहा है ना, तुझे क्या लगता है ये जिसने किए उसके गाली ऊपर दे के तू क्या दबाव, बहुत बड़ा, उससे तू बहुत देशप्रेमी हो जाएगा क्या? इसमें ये सब छोड़ दे भाऊ, अभी भी मैं तुझे कह रहा हूँ, बुटे तुझे सुनना, अगर थोड़ा भी इंडिया से प्यार हो ना, अरे क्या वो वीडियो बनाता है, पीछे सब वो बियर की बोतल रहती है। सुनना मेरी बात, मैं देशभक्त है ना या नहीं है ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, मगर तू कितना बड़ा भड़वा है, हाफ बिरयानी तेरे माँ ने शक्कर खाई 1.5 किलो, तब तो आदरचोत तेरे जैसा आदरचोत मिट्टा पैदा हो गया, समझा? ये पूरी दुनिया जानती है, नहीं जानती है? बता बता बता, बड़वा नंगा सोता है तेरी माँ की चूत तेरी, क्यों नंगा सोता है? अरे मैं यहाँ पे कश्मीर में हाउस बोट में रहता हूँ, समझा, कश्मीर में हाउस बोट में रहता हूँ मैं, तेरे कश्मीर जैसा हाउस नहीं। बोट में रहता है, तो एक काम हाँ कर, वो कश्मीर में जो हाउस बोट में भाई रहता है सुन, वो एक लकड़ी टूरिस्ट लेकर बन के घूमना और मछुआरा बन के समंदर में घूमना, इसमें फर्क है, समझा? ना, तू बोल रहा था कि तू मुंबई आएगा मेरे को मारने के लिए, कभी आने वाला तू? हाँ, तो मेरी जुलाई में फ्लाइट है और उसके बाद में मैं वहां पे आऊंगा, और हाँ जितने भी मेरे मेरे बॉडीगार्ड्स हैं ना, मैंने सबको बोला है कि भाई ये द्वंद्व युद्ध है, इसमें हाँ दो खिलाड़ियों का युद्ध होगा, और मेरे नहीं 12 बॉडीगार्ड्स में से मैं एक को भी अलाउड नहीं करूंगा कि वो हम दोनों के बीच में आए, इतना तेरे मैं तुझे बात ना, बताता हूँ। तेरा बात और तेरा तू, समझा? 14 भी आएगा तो मेरे लौड़े पे बैठा, मेरे अकेले को लंड से फर्क नहीं मैं पड़ेगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, तेरे मुंह में इतना गंदा मुतूंगा ना, मैं इतना गंदा मुतूंगा ना, तू बियर पीना छोड़ देगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाऊ। भोसड़ी के गलती से मिस्टेक हो गया, तेरी मामूत ने गई वांडो बारा है, सुन मेरी बात, तू है ना, तू
तू तेरे 12 13 14 पुणे में जिस दिन आया ना, मुंबई भी आने की जरूरत नहीं, पुणे में जिस दिन आया कॉल कर देना तेरी माँ कॉलगेट से दांत घसेगी, कन्फर्म और अगर मैंने वहां पे आके तेरे को लातों लातों से नहीं मारा और मैंने तेरे मुंह में मूंद के मैंने वीडियो नहीं बनाया तो बता, तू अब बता मेरे को, मैं अब चाहता हूँ बता, ये चैलेंज करता हूं मैं, कन्फर्म, मेरा चैलेंज तू क्योंकि एक्सेप्ट कर। क्योंकि सुन ना मेरा बच्चा, जितने भी लाइव में जिसको जिसको तूने जो तकलीफ दिया है ना, वो तू आके लड़कियों को भी गाली देता है, औकात बताता है। मैं चाहता हूँ कि वो भी देख लेने, जब तू मेरे को मिलेगा ना, तो मैं तेरे साथ क्या क्या करने वाला हूँ। लिज्जत पापड़ तेरे गांड में नहीं तोड़ूंगा, तो देख लेना कुछ अच्छा ठीक है, चल दिन में। मैं तेरे को नहीं मारूंगा, अगर तूने वो जो लाल ओपन गाड़ी है ना उसके डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए ना, अगर वो तेरे नाम पे है समझा, अगर तूने उसके डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए ना, सच बता किसकी मांगता है तू तेरे पे एम्बुलेंस में चो देगा, एम्बुलेंस में सायरन बजा के, सायरन बजा के चो देगा तेरे को। नहीं सच बता, तू जो ये अभी बोल रहा है सच बता, अंदर ही अंदर खौफ है ना तेरे को दीपक कलाल का, सच बता खौफ है ना। कभी आने वाला है तू? अच्छा एक बात बता, इंस्टाग्राम बता। तेरा उड़ गया, एकता कपूर मैंने नीता अंबानी हम तीनों ने मिलके तेरा इंस्टाग्राम अच्छा उड़ा दिया, उसके बाद में तेरा फेसबुक उड़ा दिया, कैसा फील कैसा होता है तेरे को? बहुत अच्छा फील हो गया, बहुत अच्छा फील हो गया, बहुत मजा आया मेरे को, बहुत मजा आया। मैं चाहता हूँ कि तू आवे और मुझे ना सामने सामने ऐसा बोले कि मैंने तेरा इंस्टाग्राम उड़ा, तो मैं तेरा सत्कार करना चाहता है। कभी आने वाला है तू लड़के चौथे कान? हाँ तो मैं ये क्या बोलता है रे गंदा तू का सबसे यार, मतलब कैसा अभी मैं क्या बोलूँ यार, गंदा लगता है रे भाव, ये सब छोड़ दे दे मलाई वाला टोपी खा, मलाई वाला, मलाई टोपी, टोपी मलाई की टोपी, मालूम ना, क्रीम रोल। ओह माय गॉड, यू वांट क्रीम वाली टोपी? फेवरेट बेकरी से मांगेंगे ऐसे ना चाय में डूबा और चुप, टपक ऐसे अच्छा लगेगा, देखना कैसे, मतलब कैसा मैं तेरे ऊपर टेस्ट कर, संस्कार मेरे है, का पानी आ रहा और चुप। कैसे मतलब वो कहते हैं ना कि कोई बंदा जो है वो साइंस में कहता है कोई आर्ट्स में, मुझे ऐसे लगता है कि तूने बचपन में ही गालियों में ही पीएचडी की यार, ये कहाँ से ये सब तू गंदा गंदा सीखा यार, तुझे तेरी जैसे बड़वे आए पता है मेरे क्यों? को तू गालियां देता था ना, मेरे को समझ में नहीं आता था तो मेरे को गूगल करना पड़ता था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्योंकि बॉसरी, तो हाँ, मुझे लगा भोसड़ी, हाँ, तो मुझे ये सब पता नहीं था यू तेरी नो। भोसड़ी, भोसड़ी, भोसड़ी का मतलब समझा था? योर मदर स्टार्टिंग में, योर मदर पुच्छी, व्हेन 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 यू बिकम अ आउटसाइड, योर माँ का भोसड़ा, इज अ भोसड़ी, देर इज अ बाप रे, भोसड़ी। तो ये सब तेरी सुनने माँ के बाद तो इंडिया मतलब बहुत प्राउड मोरी फील में करेगी गई, यार। तेरी माँ मोरी में गई और वो मोती और फटाकर से तू फाट कर से बाहर आया टकले के साथ, वो भोसड़ी हो गई। अगर वो नॉर्मल आता तो वो वैसी ही रहती, उसको जो मुत्ते समय तू बाहर आया तो उसको बोलते भोसड़ी, तो तू भोसड़ी समझा? बाप रे, मतलब ये देखने के बाद तो बहुत इंडिया के लोग तुझे अप्रिशिएट करेंगे यार, और बिल्कुल भी या तेरे ऊपर थैंक थूकेंगे नहीं, यू सो मच, थैंक यू। और मैं मतलब तेरे ये जो अप्रिशिएट, नहीं, मतलब लोग कहेंगे कि भावु कितना संस्कारी कितना अच्छा है मैंने करके खुद इतनी इज्जत दी इसके लिए अप्रिशिएट। क्या बोलता है बाकी लवड़े के चौथे वाल? हिजड़ बुल्लिया चांगला हस हाँ की असा गदड़िया वाणी काय हस तो हिजड़ जा, बुल्लिया, तुझा हाँ तुझा तुझा आईचा मतलब पुच्ची झबीन चाकर तिकड़े असा चोलून, कासा कासा तुझा कासा कासा आईचा तुला पुच्ची घेई चाकर शेंगदाण्या, हाँ चोलून, गावटी चिकन टाकून, तुझा आईचा पुच्ची गावटी बेंडचो मिर्ची टाकीन, आणि तुझा आईला झावलाजी मजेला खायला, मजे तोंड ब कसं करतो आई जावाड्या, तुझ्या आईनी कधी कुस करून नाही खाल्ली? हां तुझ्या आईला झावला, तुझ्या बकऱ्याचा अरे लट ही जर का, हा जर खाल्ला का तुझा व्हिडिओ तुझ्या मुलाने पाहिला तर आपला बाप असा असू शकतो, आहे। माझा जो आपल्याला पोरगा आहे असा ना, माणसाने माझा म्हणजे पोरगा आहे आपला ना, बाप असा असू शकेल असं तुला काहीच लाज नाही वाटत माझा करे। पोरगा ऐक ना लवड्या, माझ्या पोराचा लंडच आता एवढा आहे, झोपताना एवढा असतो, म्हणजे तू विचार का, एवढा मोठा झाला ना तर तुझ्या दोन नाकामध्ये एक एक लंड पण टाकला ना, आई जावड्या मुलुडची मोठी पाईपलाईन माहितीये ना, भिवंडी पाईपलाईन, असं तोंड नको करू, बेंचो नियत खराब होते माझी, तुझ्या लंडच टाकीन तोंडामध्ये आई जावड्या। बाप रे कसं काय तू जन्मला आणि कसं काय बाप रे, खरंच रियली मतलब म्हणजे ते असं म्हणतात ना की असं लाज वाटतं रे निसर्ग असं। निसर्ग निसर्ग राजा ऐक सांगतो, दीपक कलाला आईला भाऊ जाऊतो। अच्छा मला एक सांग, तो तुझं नाव आहे ना हिंदुस्थानी भाऊ चेंज करून हिंदुस्थानी भडवा का नाही ठेवून घेत? नाही कारण का माहितीये, भडवे लोक तुम्हीच एवढे झालेत की त्याच्या आईला जाऊला, तुमच्या आईला जाऊला, हा हिंदुस्थानी भाऊ झालाय। बाकी तुझी स्कूटी कशी आहे ती 3,000 ची? हा प्लॅटिनम, 3,000 प्लॅटिनम आईचा पुच्चा तुझ्या, कुठे जातो रे तू? लॉस एंजेलिसला राहतो, तुझी आई गेलेली तिथे का घरी आलेला लॉस वाला, म्हणून अच्छा तुझ्या आता आईला तुला तिथं अगदी लॉस खरं झाला, सांगतो, नाही तुझ्या नाही अगदी, तिकीट हा जो कटिंग झाली। सचिन,
नाही सचिन, तू खरं खरं सांग, शपथ घेऊन सांग, माझे आई वडील खरंच तिथं राहतात की नाही, ये सच्या खरं सचिन खरं सांग, बापा लवडा काय असता, सच्या खरं सांग, अरे राहत नाही खरं सांग, लोखंडे आहे, शपथ घेऊन लोखंडे सांग, आहे, सच्या मी मानतो अरे तुला. आई गलतीने सुनवल्या, लोखंडे आहे असा एवढा मोठा लंड आहे, तुझ्या गांडीत टाकेल, आई जावाड्या तुझ्या टाकल्यातून, तोंडातून, नाकातून, बेंडचं सर्व बाहेर येईल. थांब तुला मी फोटो तुझ्या आईचा फोन दाखवतो, आला, ए ए तुझ्या आईचा पुच्छा, तुझ्या तुझ्या आईचा फोन आला, तिला बोल कांदा नाही भजी मी तुला खाशील काय, फोटो दाखवतो, तुला खोटं वाटत ना राहत नाही म्हणून, तुझ्या आईचा तुला मी पुच्छा, व्हिजा तुझ्या वगैरे सगळं तुझ्या दाखवतो, कांदा थांब. भजी खाशील काय, ए कारण तुला दीपकला ना, तिला विचार ना कांदा भजी खाशील काय तुझ्या आईला. कारण तुम्ही लोक आहेत ना, तुम्ही स्वतः आयुष्यात कुठे गेला नाहीत आणि त्यामुळे ना, हे बघ हे फोटो बघ, तुला खोटं वाटतं ना, हे बघ हे फोटो बघ, एक मिनिट थांब तुला दाखवतो मी, वरती बघ वरती, हे बघ, आई जावाड झिरो तर ब्लप लावलाय तू, हे बघा फोटो बघ, दिसला तुझी का, आई हे बघ ही नसती माझी आई बघ, फॉरेनर बरोबर, हे तुझी आई हे नसती आई याचीच बघ, माहिती होती, आणि वडील बघ, हे तुमच्यासारखं नाही, तुमच्या फॅमिली सारखं जिंगाट जिंगाट करतायत, लई लई हे कोण जिंगाट, आहे, हे असं नाहीये, हे कोण ही आहे, माझी आई आहे आणि माझे वडील आहे, हे बॉल डान्स रूम मध्ये लॉस एंजलिस मध्ये, कळलं आमचं, हे जे तुझ्या आईचा कळलं का हा मसाज तो पार्लरचा फोटो आहे फोटो आहे, हा मसाज पार्लरचा फोटो आहे, तुझी आई तिथे का, चिकू अजून बेला दाखवतो गेलेली, तुला, हे अजून ए दाखवतो तुझी आई तुला तिथे, ऐक ना सॅनिटरी म्हणून. मसाज करते काय, मसाज पार्लरचा फोटो येतो, तर तुझी आई कसं आहे तिथे ना, सॅनिटरी मसाज करते, अरे तू ते काय ऐक आमची ना ऐक बरोबरी ना करणार, आमची काय बरोबरी करणार, हे बघ आमचं आमचं घर बघ, आमचं घर बघ, अरे तुझ्या आईची पुच्छी, तो झाड आहे ना लाईटी सकट, तुझ्या आईच्या पुच्छीत टाक, तो हे जिंगल कसं बेल वाला वाटलं झाड आहे ना, ऐक ना, तो घर, जिंगल कसं बेल वाला वाटलं, झाड आहे ना, ए तुझ्या आईच्या पुच्छ्यात लवडा घातला तुझ्या, तो जिंगल बेल वाला अरे झाड आहे ना, आमचे ना ऐक करोडोंची घर आहेत, कळलं का, तुझ्या तुझ्यासारखं ते आईची जे काही कार घेतली असते ना आयुष्यात लवडा, पहिली कार, अरे तुझ्या आईच्या पुच्छी मध्ये कांदा कापला, ए ऐक ना ऐक ना ऐक ना ऐक तुला ना, असं काही वाटत नाही का रे की तुझी कार घेतलेली आहेस, त्याच्यावरती एवढ्या मोठ्या अक्षरात हिंदुस्थानी भाऊ म्हणून तू लिहिलेलं आहेस, बाप तर आहे तुला असं बाप, काही लाज नाही वाटत का रे? कारण 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 तू पाकिस्तानची पुच्छी चाटतो ना, जाऊन लंड चाटतो इम्रान हे बघ खानचा, तू बोलतो ना हे बघ ऐक ना, हे बघ, ही कोण आहे, याला म्हणतात, हे बघ याला म्हणतात फोटो, हे तुमच्यासारखं नाही, ते चपला हार वगैरे नाही घातलाय गळ्यात, हे बघ मोत्यांची माळ आणि ऐक ना गड्या ऐक ना, बघ, अरे ऐक ना ऐक ना, हे तुझी बघ हे आई ना असं. ऐक ना ऐक रे लवड्या, तुझी आई ना खूप चांगली आहे रे बिचारी, ऐक ना तुझी आई तुझी खूप चांगली आहे बिचारी, पण तिला बदनाम केला तुम्ही रे भडव्या, तुझी आई खूप चांगली आहे, तिला बदनाम तुम्ही केला आई झावाड्या, माहितीये विराट विराट कोहलीचा तू व्हिडिओ बनवलास, त्याच्यामध्ये हे तुझ्या बघ आईला बदनाम हे असे बसवला, असे बॉडीगार्ड्स असतात, रे हे अमेरिकेमध्ये असे बॉडीगार्ड्स असतात. झावाड्या ऐक ना, तेरी माँ का हाँ मुसड़ा सुनना, तेरी माँ बहुत अच्छी है, मगर तेरे माँ को बदनाम तूने किया माधरचोद, वो बिचारी को तू कुर्सी के बाजू में बिठा के बोलता है विराट विराट शर्मा विराट कोहली का बच्चा मेरे पेट में, और तेरे माँ को जबरदस्ती बोलने लगाता है कि हाँ बोल, ये मत कर रहे, अपने माँ को बदनाम क्यों कर रहे तू, अरे तेरे माझ्या माँ आईची बाप को तारीफ बदनाम करून क्यों, ती थोडी डॉलर्स देईल म्हणून, आता थोडे डॉलर्स मिळतील म्हणून तारीफ करतोय, थोडे अरे डॉलर्स मिळतील हे बघ जल्दी माझ्या सांग ना, आईकडून, तुझ्या हे आईचे बघ बॉल बॉल दिसतात आहे, अच्छा म्हणजे कळलं तुझ्या ना, आईची तारीफ केली आवडत नाही, तुझ्या आईचे बॉल बॉल दिसतात आहे, लिंबू नाही लटकलेत लिंबू कळलं, तुझ्या आईचे, ए तुझ्या आईने इटली खाल्लेली इटली, तेरे माने इटली खाई ती रे, कळलं लिंबू ना, आता लटकत ते बघ आहे, कळलं, पैसे आई वाली आहे तिथे दीपक जाती ती, कलालची आई, तेरे पैसे माने वाली लिंबू वडा लटकायला आहे, इधर, तेरी भेलकी तू तेरी, पैसे मेरे को पसंद आया वाली तेरे माँ की तारीफ कर रहा हूँ, तो तेरे माँ ने मेंदू वड़ा खाया था क्या लड़के साथ बीच में खड्डा गिरा, नाही पण तुम्हाला एक सांग, हे बघ तुझ्या आईचा तुमच्याकडे जो जुना ब्लॅक अँड व्हाईट टीव्ही होता त्याचं काय झालं रे भाऊ? कारण काय बघ काय काय ऍक्च्युअली काय झालं माहिती आहे का, तू आहे ना त्या बिग बॉस शो मध्ये गेला, मग पत्रकार आहे ना तुझ्या जुन्या घरामध्ये गेले आणि तिथं तुझं पितळ उघडा पडलं. तसं तुझ्या अरे आईची नाईटी ऐक ना, तशी तुझ्या आईची नाईटी 70 रुपयाची होती, ती माहिती पडली आईची गण, कारण तू तिला ते लुणावर घेऊन फिरत होता माहितीये, आमच्या टीम मध्ये कांदे बटाटे घेतलेले 15 रुपये किलो मध्ये, तेव्हा तुझ्या आईच्या नाईटीतून बेडशोत एक बटाटा पडला टपक करून, तेव्हा समजला की तुझी आई इडली खाल्ली तुझ्या आईनी, मुदे कैसा किया तेरे माने इमली ज्यादा खाई थी क्या, तुझ्या आईला नाही झवरा तर तू, मला एक सांग, आज नाही तर मूड तुझ्या मध्ये है तू, आईचा तुझं काही नाही, आज मी दीपक इंस्टाग्राम तू वरती फोटो दीपक टाकला. आज मैं मूड में है, तू रात भर मेरे से बात कर, आज मैं मूड में, तेरे माँ के चुत में आज कंफर्म इडली डोसा डालूंगा, क्योंकि कर्नाटक से मेरे को बहुत कॉल आते कि दीपक कलल के माँ को इडली खिला डोसा खिला मेंदू वड़ा खिला, गुजरात से भी कहते ढोकला फाफड़ा, तो बोल ना तेरे माँ को आज क्या खिलाने देख का, पहली बात तो ये है कि मेरी हाँ मम्मी जो है वो अमेरिकन है, और हाँ बोल, अगर तू मेरे मम्मी अच्छा को बोल, बुरा तू बोल अच्छा रहा तेरी है माँ तो अमेरिकन तुझे है, तो डॉलर्स तुझे में अब्रुम अब्रुम नुकसान भरपाई देना पड़ेगा तेरी डॉलर्स माँ में. अमेरिकन है, तेरी माँ अमेरिका से है तो तेरी माँ चुच्चे फ्राइड राइस खाती है, चुच्चे खाती है तेरी माँ फ्राइड राइस, चुच्चे खाती है किधर से खाती है तेरी माँ, चुच्चे फ्राइड राइस खाती है अमेरिका से है तो,
बोलना बात बोलू बोलना भाऊ, तुझे अगर ऐसे लग रहा है ना, ये ऐसा बोल के है ना, मैं कसम से कह रहा हूँ, मतलब तेरा इम्प्रेशन जो है ना वो डाउन हो जाएगा और लोग तुझे फिर अच्छा नहीं कहेंगे। तेरी माँ अगर चूत से अगर फ्राइड खाती है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता है ना, उसको बोल चिकन चिल्ली भी गाड़ से खाती नहीं, जो सच बोल तो सच तूने पहले मेरी क्योंकि माँ की बुराई की, क्योंकि लेकिन जब क्योंकि तूने वो क्योंकि फोटोज मैं दो देखे मिनट ना, पहला क्योंकि मैं 2 मिनट पहला तेरी माँ की इज्जत कर रहा था तो तू बोला कि माँ की इज्जत इसके लिए कर रहा है क्योंकि बैंक चूत में पैसा कमाना चाहता है डॉलर। तेरे माँ की चूत में धीरम डालूंगा, धीराम 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 गल्प के एकदम टपा टप टपा टप टपा टप। तेरी माँ के अरब गांड मारेंगे ना, जो अरब बहुत खतरनाक मालूम ना, वो तो शिलाजीत भी नहीं गा पा गा खजूर खा के खजूर खा के। बोल ना बोल, दीपक बोल तू, दीपक खजूर बोल तू। देख। अभी एक हाँ बात बोलूँ क्या, अभी मैं भड़क गया हूँ और अभी मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ। अभी मैं जो तेरे को धोऊंगा ना भाऊ, भड़का है ना तू, मैं भड़का कसम से बोल रहा हूँ, भड़का मतलब मैं जो अभी तेरे को धोऊंगा ना, दीपक दीपक तू भड़क गया ना, भड़क गया ना, तो एक काम करना मेरे लड़को भी लटक ना तुझे लड़को पता चलेगा कि कश्मीरी हम कैसे होते हैं, वो हम कश्मीर के कैसे होते कश्मीरी हैं। सुन ना, कश्मीरी अच्छे होते हैं मगर गलती से मिस्टेक हो गया, तू तेरी माँ ने एप्पल ज्यादा खाए थे तू तू उधर गया, ऐसा हो गया। तो कश्मीर को पूछना चाहूंगा, इसके माँ ने इधर एप्पल खाने आई थी क्या? बोट में लिया था कि किसने, शिप में टपा टप, वो लगता है शायद तेरे माँ ने वो बोट का भाड़ा नहीं दिया था इसके लिए बोट वाला अभी तेरी ले रहा है बोट में रख के। ऐसा है, अच्छा है? कुछ बाकी है? नहीं बस मैं यही कहना चाहूंगा कि ठीक है, देख भाऊ तूने जो जिंदगी में गरीबी देखी है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने जब तेरा वो वीडियो देखा ना, मुझे आंखों में तेरे पास बिस्लरी आ गया। डायमंड गिरे थे ना, मैंने जब यार तेरे वो माँ का वीडियो मैंने देखा ना, जैसा तेरे को माँ की चूत, तेरे माँ को चूदा किसने, अरब ने पटक कर से माँ के चूत से तेरे कोहिनूर गिर गया टपा कर ना, पटक कर से तू अमीर हो गया, कोहिनूर गिरे तेरे माँ के चूत से ना। बोलना तो बोलना मुझे थोड़ा वो बुरा लगा यार, मतलब जब मैंने वो अच्छा तेरी गरीबी का वीडियो देखा ना तो मुझे तेरे बुरा लगा, बट बाद में जब तू ना डॉल्फिन डॉल्फिन से जाता है ना तू इधर से उधर, डॉल्फिन से बता ना जरा सबको बता, डॉल्फिन से तू जाता है, डॉल्फिन है ना तेरे घर पे? बता बता डॉल्फिन किधर किधर है बता। अरे अभी तूने देखा मैं कैसे बोट में घूमता हूँ रोज, तू मुझे तो एक बता कितने ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं कि जो रोज बोट में घूमते, तू मुझे बता। मेरे चोट पे घूमेगा ना तो पूरा पूरा तेरे को दुनिया दिखाएगा, चोट पे एक बार बैठ के देखा। अच्छा गजबन है एकदम। बोट में। मुंह देख कैसा कर रहा, तेरी फेम की छूत, तेरी उसल खाया क्या, तेरी माँ का बोसड़ा तेरी हाँ उसल अरे खाया। मतलब तू ऐसे जो हंसता है ना, और ऐसे कुछ तभी ऐसे करता है ना, और ऐसा ये जो तेरा स्टाइल है ना, ऐसा दाढ़ी खुजाने का, जरा जा उधर जूका जूका दवाई लगा ले। क्योंकि तेरी माँ की भी चूत पहला चोदने से पहला खुजाता, मैं ऐसे ऐसे जाते रहते ना तेरी माँ की चूत पे वो भी खुजाता हूँ, वो आदत गिरी है क्या करूँ, तेरी माँ बोलती है खुजाएगी खुजाने की सिवा ना चोदना नहीं, इसलिए वो आदत गिरी है। बोलना आगे बोल। अच्छा वो ऐप से मैंने तुझे निकाल दिया, वो जो ऐप में तू गाली गलौज करता था और उधर वो लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करता था और उसके बाद में वो दारू वारू पी के उधर, ये तो वो ऐप वालों ने तेरे को गांड पे लात मार के वो भगा दिया, ये सच है वो क्या तू जो ऐप पे आता था? उन लोग ने मेरे को ना तेरे माँ के साथ पकड़ लिया। वो कैसा हो रहा था मालूम है, पैक मार रहा था तेरे माँ के, चूस रहा था मैं चपा चप चपा चप चप, ऐसे गल रहे थे तेरे माँ के, ऐसे बोलना ऐसे कब गिर रहे थे, वो बेबी पे आ रहे थे, बेबी रहती ना बेबी, तेरी माँ के ऐसे बोलना लटक गए थे, उनको नहीं मालूम किए बेचूत कौन है, बाद में देखा इन लोग ने दीपक कलाल की माँ को चूस, ओ माँ का चूस फुल टेंशन, उसमें बेहन जो अपनी इज्जत की माँ चूर गए तेरे माँ के वजह से रे, तेरे माँ ने लौड़े। अच्छा सुन ना, मैं हाँ तेरे बोल। माँ का वो फोटो दिखाऊँ क्या जिसमें वो ऐसे किचन में मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, दिखाऊँ दिखाऊँ? ये देख दिखा ले एक बार, ये देख हमारा भी देख ले, ये देख मम्मी डैडी देख, ये देख। तेरे बाप ने गले में कॉन्डम भी मिला क्या? कॉन्डम हाँ अभी मैं तेरा दिखाता हूँ, देख देखे दिखा अभी मैं दिखाता हूँ, रुक ना दिखा ये देख दिखा आज रात दिखाता भर हूँ, नहीं चाहिए तो दिखा हाँ दिखा दिखाता हूँ, रुक दिखाता दिखा हूँ, एक मिनट। दिखा हिंदुस्तानी भाऊ का घर, ये देखा अभी, ये दिखेगा, ये देख ये देख ये देख, तेरा मैं घर दिखाता हूँ तेरे को, याद कर तेरे वो पुराने दिन याद कर। हाँ ये देख घर देख तेरा, घर देख, मेरे को कम से कम 50 साल हो गए, 50 साल से एक एक यही छोटे से घर में, शादी होके यही जाए ना इधर से, 50 साल से माँ भी चूस के गए थे किधर से, इसकी माँ को ये देख। तो होटल अच्छा वो टीवी देख, ए टीवी देख, टीवी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देख, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देख भाऊ, मेरे को ब्लैक भी एंड व्हाइट टीवी चाहिए देख, कि ब्लैक बाजू नहीं हम लोग हटे दोनों भी, माँ भी आपको एंड व्हाइट पता टीवी नहीं देख। बात, तुम क्या हाँ सोचते
सुनता था मैं, वो रात को ना मैं बोला भी था वहां पे कि मैं अच्छा मुझे एक बात बता, तू मुझे एक बात बता भाऊ, सुनना तेरे सुनना पास जब तू इतना गरीब है तो क्यों हम अमीर लोगों के पीछे ये करता है? मुझे सच्ची बता, क्यों तुम हम अमीर लोगों से मस्ती करता है, मेरे को ये बता पहले। देख, अभी ये तू अमीर है ना, तेरे माने देख, ये देख ऐसा चूस के गए, देख ये देख सुनना, ये देख ये नहीं देख तो मुझे एक बात बता, ये जो एकता कपूर है इससे तू पंगा लेता है, बराबर है? तू मुझसे पंगा लेता है, तेरे को डर नहीं लगता है करे? कि हम लोग जो है, तेरे तेरे माने को से डर नहीं लगता है कि हम लोग जो है वो तुझे मारेंगे, तुझे माने से हम तो लोग कुछ भी? पल्टी स्प्राइट भी लाउड है तेरी, डर के आगे जीता है तेरी माँ का बोसड़ा तेरी, ये देख ना, ये देख हमारा, ये देख हम लोग छोटे थे ना, ये देख हमारा फोटो देखिए बचपन के, ये तेरी ये माँ देखिए है, बचपन के। हाँ ये तेरी माँ है मैं वही तुझे कह रहा हूँ, ये हमारा ना, ऐसा नहीं है, बोमबिल खाऊंगे रे बाड़ा बाड़ा, बोमला से कालवन खाऊंगे, ये हमारा ऐसा नहीं है रे। हमारे जो माँ बाप है ना, सुन मेरी दादी माँ मैलब्रो लाइट्स पीती थी, मेरी दादी माँ है ना मैलब्रो लाइट्स पीती थी, ये पता है तुझे? तेरी माँ चिरूट पीती थी और तू मेरा लौड़ा, ये देखा तेरी माँ ने, देख बकरे का लड़ी चुसके गई, लौड़ा लटा अपना गोटे लटक रहे थे ऐसा कैसा चूसी, देख ये माँ का बोलड़ा सब कुछ चमड़े के साथ चूसी, हाँ तू भी ऐसा चाटेगा क्या माँ का बोसड़ा तेरी, ऐसा मत कर, अभी से ऐसा मुंह बना रहा है तेरी माँ की चूत तेरी, ऐसा मत करना, दांत नहीं लगाना तेरी माँ की चूत लौड़े को, तेरी माँ का बोसड़ा तेरी, जरा भी दांत भी अच्छा अभी वो जो तेरा जो खोली है जहां पे तुमने 50 साल बिताए, वो अभी भी है क्या? बेच दिया क्या क्या, तुम्हारा वो जो खारदंडा झोपड़पट्टी में खोली था जहां पे तेरी माँ 50 साल रही, उसका क्या किया? और वो जो माँ का तेरे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है उसका क्या किया रे भाऊ? गरीब लोग है ना हम लोग, उधर ही रहते हैं हम लोग, गरीब लोग है उधर, और तेरी माँ किसका किसका चूसी, कुछ तो रखते, वो भेड़ तो ताड़देव में आई थी तेरी माँ, ये देख पकड़ा लिया, लौड़े लग गए, क्या होएगा रे, अरे हमारे में कैसे होता है पता है क्या दीपक? कम ऑन डार्लिंग, हैव यू फूड, कम ऑन लेट्स गो फॉर पार्टी, हमें एक चांस करना है, जल्दी से चलो। हम लोग ऐसे जाते हैं रे भाऊ। अगर तेरी माँ डांस करते करते ना करते करते फटाकर से लौड़े पे बैठती और अपना कैसे रॉकेट रहते, कब पकड़ से अंदर मुंह से बाहर हाँ ऐसे ही मुकरती होगी मुकर मुकर कैसे क्या तो बता, ओ सुन ना तुझे सुन पता है ये लाइव ना, जाने के बाद है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया थूकेगी, और अगर तू नीचे कमेंट्स पढ़ेगा ना, दीपक एक और बार मैं मुझे, तो कह रहा हूं कि तेरा ये जो असली गंदा रूप है ना, ये आज समाज को उजागर हो गया, समाज के कुत्ते को पता चल गया कि जो लोग देशभक्ति की बात करते हैं वो एक एजेड लेडी के बारे में कैसी कैसी बात कर सकते हैं। और देख मैंने तेरे मम्मी का फोटो इंस्टाग्राम में डाला, क्यों? क्योंकि तुझे दया आएगी और तू तेरे मम्मी के लिए बड़ा घर लेगा, तो मेरा जो इंटेंशन था तेरे हाँ मम्मी इंस्टाग्राम में फोटो डालने का, वो इंटेंशन अच्छा था। क्योंकि देख ये बात तू मानता है कि तू घर जमाई है, घर जमाई है, तू तेरे माँ के साथ नहीं रहता है, तू नहीं बराबर, घर मैं जमाई है, ये बात तू मानता है? बहुत गरीब, मगर सुन ना तेरी माँ डॉल्फिन पे सी जाती थी, डॉल्फिन घर पे आता था, तू भी डॉल्फिन पे सी जाता है ना, तेरा किधर है वो बोलते तू डॉल्फिन पे से तेरे इधर जाता है, वो कौन सा किधर है तेरा, वो बता ना बताओ तेरा किधर है, अरे लॉस एंजलिस में हमने, हमारा जो आइलैंड है वहां की मैं बात कर रहा था। आय वाला लंड किसका है, खली का किसका लिया तूने, आय वाला लंड अच्छा और ये जो भाड़े के टट्टू है, जरा इनकी शक्ल दिखा तो, कौन कौन है ये भाड़े के टट्टू? तेरे को मालूम ना, तुम लोग गद्दार लोग के लिए एक ही बाप तुम लोग का काफी है, ये बाकी सब तेरे को लेंगे, फिर माँ की चूतू मतलब नहीं, तेरा बाप इधर बैठा है ना, तू बोलना बेटा पप्पा से बात अच्छा वो कर, जो सुनना, वो जो तेरी गाड़ी है जो तूने 25 साल लोन से ली है, उसके उस पर बड़े बड़े अक्षरों में हिंदुस्तानी भाऊ ऐसे क्यों लिखा है? इसकी अभी ये पेमेंट जो कौन देगा, अंबानी है, अंबानी है वो क्या उसके कार के ऊपर ऐसा लिखता है क्या? अंबानी ऐसा लिखता है क्या? तो जो अमीर लोग होते हैं वो ऐसे कार पे नाम नहीं लिखते, तो ऐसे क्यों? मतलब 25 साल का लोन लेके लिया है क्या तूने? मैं चाहता था कि तेरे माँ को जो 14 था वो डॉग शॉट वाला शॉट मालूम है, तेरे माँ को 14 था वो फोटो लगाओ, सोचा था कांच पे लगाओ, मगर फिर सोचा कि तू बड़ा आदमी है तेरी इज्जत की माँ की देगी, तेरी माँ नाइटी में पटेली, और मैंने क्या किया मालूम है, पटेले नाइटी चल तू घपा कर दे बुझा नाइटी में खड्डा पावरफुल ना सुपर पावर वाला अच्छा ये लड़का, पुलिस लोगों ने, मैंने सुना तेरी गांड पे बहुत फटके मारे, तूने आंदोलन किया, तो क्यों ऐसे काम करता है तू? हाँ सुन ना तेरे कान में लड़ गया नहीं सुन, मी खरं सांग, तुझा बोचा तांडला म्हणे, तुझा बोचा वरती हिजड बुलले आ, त्यांनी चांगले दांडू के हांडले म्हणे, लई या सुजला होता म्हणे तुझा बोचडा। एकदम कडक सुन
सुन ना उन लोग मेरे को क्या बोला, भाऊ जेवा जब भी ना दीपक कलाल इधर आएगा ना तो तू साथ में लेके आना, फिर हम ना उसके सामने तेरे को ना ये करेंगे। तो सुन ना, तू कभी आने वाले हो बता, लौड़े ये बाप है जिसके वजह से पूरे इंडिया में एग्जाम कैंसिल हो गए, ये बाप है जिसके वजह से सब बच्चों की फीस माफ हो गई। तू अरे तो तुझा तुक्का लागला ते होणारच होतो, आणि तू त्या दिशेने तुक्का लागला तर लावला त्याचं क्रेडिट घेतलं तू खोटं खोटं। क्या 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 अरे तो तुक्का लागला रे तुझा, कळलं का? वो तुक्का लग गया तेरा, तो तूने क्रेडिट ले लिया हाथ, वो बहती गंगा में हाथ धो लिया तूने। जब तक क्या होता है गिल्ला नहीं करता है ना, तब तक तेरी माँ ना अंदर नहीं जाता पटक कर से, दो पैर दो हाथ डाल के घुसना पड़ता अंदर। लॉस एंजलिस अंदर डॉल्फिन डॉल्फिन अंदर सब डॉल्फिन सोए रहते हैं माँ के चुट में तेरे। तो देखना पड़ता है, फिर मैं आवाज देता पचास पंद्रह बीस डॉल्फिन बाहर आते चुट के फटा कर दे तेरी माँ एकदम फुल बेसुद। फिर चुटता है वो भी डॉट वाला लगा है माँ का, मजा आता है। आगे बोल माधरचो तुझे बोलतोयस ना, तुझ्या गांडीत नाही मी बांबू घातला ना तिकडे येऊन, आणि जाय तुला काचा 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 झावला ना, हा पाटलाचा पोर नाही, लिहून घे माझ्याकडून, कळलं का? हा दीपक आहे ना पाटलाचा पोर नाही, लोकांना सांगतो तुझं नाव विकास पाठक। अरे जवली तू पाटलाचा पोर म्हणजे बाई वाड्यावर या, जो बोललेला तुझी आई तिथे वाड्यावर गेलेली। अरे जवली निलू पुले आलेला निलू पुले। अरे मी पाटलाचा पोर मी तुला कबेऱ्यातलं ढोर नाही बनवलं ना, लिहून घे माझ्याकडून, मी पाटलाचं पोर नाही तू गोठ्यातलं ढोर। निलू पुले तुझ्या आईलाच बोलायचं वाड्यावर या, वडपाची वडपाची। अरे तू हा हसतो ना, फॅन्ड्रीचा जब्या दिसतो, जब्या फॅन्ड्री मधला जब्या दिसतो हसताना, कळलं का? अरे काय तुझी लाईफ, पण तुझ्या आईच्या पुच्छीला कोलगेट ठीक असतो। आज माहिती पडला निली पुले कोणाला बोलवायचा वाड्यावर, तुझी आईच होती ती कन्फर्म। बोल अरे काय हसतोस आणि काय बोलतो आणि काय आपला हसतो, तुझ्या तुला असं लाज नाही वाटत करे? तू स्वतःला असं हिंदुस्थानी भाऊ म्हणून घेतोस, तुला अशी लाज लज्जा वाटत नाही करे? काय काय अरे तुझा मित्र बघ सचिन सोनावणे, काय त्याचं वागणं बोलणं, किती तो सगळ्यांची इज्जत करतो, तू एक काम कर त्याचं आहे ना, तुझ्या आईला याच्याकडे पाठवू नको, जरा पण पाठवू नको। मी खरं सांगतो तुला, तुला जर ना आयुष्यात पुढे जायचं असेल ना, सकाळी उठल्या उठल्या ना तू त्या सचिन सोनावणेचे ना दोन मग्गे ना जुलापी। तुझ्या आईला याच्याकडे पाठवू नको, तुझी आई व्हेंटिलेटरवरच, आईची पुदरी कोमा मध्ये जाईल। अरे लय भेंडचोत खतरनाक आहे, तुझ्या आईला पाठवूच नको इकडे, आणि तू पण येऊ नको आई जवळ याच्याकडे, हा गुची गाडी लय चालवतो। तुझी तर आई सचिन सोनावणे ना तो चांगला माणूस आहे कळलं, आणि त्याने मला तुला माहितीये का माझ्या आईशी पण तो बोलला आणि तो एवढा सगळ्यांना इज्जत देतो, अरे शिक त्याच्याकडून काही। आज तू मला सांग की आज तुझं फेम आहे बरोबर जे काही आहे, का तू कुठून तिकीट लढत नाही? कारण तू शिव्यांमध्ये गेलास, कळलं? हे बघ मी तुझ्या बापाचा, मी तुझा बाप नाहीये, भले मी तुला झवून नाही काढलाय, पण तुझ्या बापाच्या वयाचा आहे म्हणून तुला सांगतो भाऊ। हे बघ आयुष्यात जर पुढे जायचं असेल ना, हे बघ आयुष्यात पुढे जायचं असेल ना, काकडी खाल्लेली माहिती थंडीमध्ये खातात मसाला लावून मीठ लावून, तुझ्या आई गलतीने काकडी बोलता बोलता माझा लंड खाल्लेला असं झालेलं। बोल पुढे, बोल तू, बोल तू आज। अरे हे बघ जे झाड फळांनी जो पेड़ को बहुत फल होते है ना, वो हमेशा झुका हुआ रहता है, यानी फल के साथ दिमाग झाड़ घुसाते अंदर। हाँ तो वो जो फल होता है ना जो पेड़, वो हमेशा झुका, क्योंकि वो फलदार होता है, समझा? फल खाती है, एप्पल खाती है, केला खाती है, ककड़ी खाती है, क्या खाती है जरा बता। अच्छा वो लाला आया है, वो पूछ रहा है कि भाड़ा क्यों नहीं दिया, किराया क्यों नहीं दिया, वो आ रहा है। वो तेरे माँ का चूत काला है ना, इसके लिए लाला आया है, बोलता है कि वो तेरी दीपक कलर की माँ का चूत काला है ना, वो तो इसलिए लाला आया है। तो लाला को भेजू तेरे घर पे, तेरे माँ के पास पुणे में रहती है, भेजू? काय बावळटा सारखा हसतोयस, नी काय अगदी तुला काही लाज नाही वाटत करे? सारखं जगतोयस कुठे? हा जिथं जातो तिथं मार खातो, जिथं जातो तू दिल्लीला गेला तिथं लोकांनी हाणला तुला, हा जिथं जातो तिथं कुठल्या वाणी तुला मारतात, तुला लाज नाही वाटत करे? हरियाणा जट वालोने तेरी कैसी माँ को चौदा था, टपाटप क्या बोल रहा था तू कि भेड़ चोत मैं झाड़ में मुटे का प्रोटीन है, उन लोग ने प्रोटीन कैसा दिया था तेरे को, टपाटप टपाटप। अरे त्याने मला 2 करोड़ दिले, त्या माणसाने मला 2 करोड़ दिले, तेरी माँ चूत जाएगी तेरे माँ की, और दिल्ली में भी कभी राइट नहीं मारना, वो पुलिस वाले जिनको तू गलत गलत बोल रहा था उन लोग भी बैठे ले, तेरे माँ को चोट डालेंगे सैनिटाइजर लगा के, फुस 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 चूत गई तेरे, हाँ जाना नहीं पाए, और गुजरात तो गलती से जाना, तेरी माँ को ढोकला की लगे चोट डालेंगे, और महाराष्ट्र में आएगा तो तेरी माँ को मिस सेल्फ। हेलो
Yeah, she just went away directly and came back with a very obnoxious way. And I was like, because everybody has got its own problems, and I'm not a Jesus Christ to solve those. So just tell her not to, tickle all the time. I'm not your bimbo just to give all the answers for. So please give me a break and just get lost. Ma, cha. कोण होता कोण नाही हा मी म्हणजे नाही माझ्या मैत्रिणीचा फोन होता तर हे मी इंग्लिश मध्ये बोललो पण कसं आहे ना ते म्हणजे तुझ्या कळणार नाही ते कारण माझ्यासारखी बोली वगैरे म्हणजे माझं सगळं शिक्षण तिकडे झालंय ना रिजवी कॉलेज ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट वगैरे तर त्यामुळे आणि माझं जे स्कूलिंग जे आहे ते एले मध्ये झालं स्प्रिंग फील्ड तर त्यामुळे कसं आहे ना तुला ते सगळं समजणार नाही रे तू आपलं आहे ना हा कसं आहे ना हे सगळं मी जे काही बोलतो माझ्या इंग्लिश मधल्या कविता वगैरे तर मी एक वेगळा इंटेलेक्च्युअल आहे रे भाऊ तुझं कसं आहे माहितीये का म्हणजे माझ्याकडे जे काही टॅलेंट आहे आज माझे जे फॉलोवर्स आहेत ते लंडन पॅरिस न्यूयॉर्क सगळीकडे माझे फॉलोवर्स आहेत पण तुझं कसं आहे माहितीये का जे टायरचे पेंक्चर काढतात त्याच्यानंतर असं काहीतरी करतात तर ह्या वर श्रेणीतले लोक जे आहेत ते तुला फॉलो करतात कारण ज्या लोकांना फक्त शिव्यांमध्येच मजा आहे तेच बोलत होतो की तुझ्या आई वाड्यावर जाते कशी नीलू पुले तुझ्या आईला कसा जवला आता समजलं मला बाई वाड्यावर या तुझी आई तिथे गेली त्याच्यानंतर लॉस एंजलिसला गेली म्हणून ती आता पण मराठी बोलते झाला जाऊ द्याना घरी का पाग लाजले की बात मी एक सांग एका व्हिडिओ मध्ये मी तुझ्या आईची ऍक्टिंग केली चालण्याची बेटा 70 रुपये किलो बोंबिले खाऊन घे आवडली का रे चांगला उद्धार झाला ना तुम्हाला फ्राय एकदम चटणी लगा के गरमागरम बोल तू बोल थोडीफार लाज ठेव थोडंफार काहीतरी आपलं काहीतरी ठेव रे म्हणजे काही चांगलं नाही वाटत रे भाऊ कळलं का म्हणजे एवढ्या लोकांनी तुला हिणवलं लोक इतना थुकते है अच्छी बात नाही आहे और देखो मेरे पिटाई के व्हिडिओज है वो स्क्रिप्टेड है मेरे पिटाई के व्हिडिओ स्क्रिप्टेड है मैं 1 से 1.5 करोड़ चार्ज करता हूँ मेरे व्हिडिओ के लिए चुतिया लंड खुजाए दीपक कलाल तेरे जैसे की गाण मारी ना तो खुश हो जाए भगवान जबरदस्त है ना ये जबरदस्ती तूने मैच किया ये मैच नहीं हो रहा था ये जबरदस्ती मैच करने की तूने कोशिश की तेरी माता भोसड़ा तेरी सुन कभी ना कभी तो आएंगे कब्र पर फूल बिछाने दीपक कलाल तेरी कफन ओढ़ के नहीं मारी तो अपना भी नाम हिंदुस्तानी बाबू ने ये अच्छा था अरे कुछ भी मैच नहीं हो रहा है मुझे ऐसा लगता है तुझे देसी दारू के थर्रे कम पड़ गए 10-11 का पाना घुसा हिट कर हिट करके लेना एक काम कर दो है ना देसी दारू के पेक बना उसको पी फिर तेरे को थोड़ा ये सूझेगा तेरी माँ भी ऐसी सूची थी वाड़ेवर मुझे पता है मुझे सुष्मिता सेन फॉलो करती है ये पता है तुझे तू बड़ा है ना तेरे घर पे डॉल्फिन आए थे थोड़े खेकड़े भी आते ना तेरे घर पे तो तेरे को पता चलता मुंह क्यों ऐसा बनाता है तेरी बहन की मारी ना आई घाल्या हिजड़ बुल्या सब मारी ना तुला मैंने लाते लाते से मैं तुझे ना रुक मैं तेरे को बताता हूँ रुक एक मिनट रुक तू तुझे मैं बताता हूँ बहुत तेज उछल रहा है ना अभी रुक तुझे मैं अभी बताता हूँ तुझे क्या लग रहा है तू क्या बहुत ये हो रहा है क्या तू क्या बहुत हीरो है क्या मैं किधर हूँ तेरे को पता है क्या यहाँ पे आने की है ना तेरी औकात भी नहीं है सुन तेरी ये देख क्या देख तेरी माँ नहीं जरा ये देख इधर है ना इधर मैं हाउस बोट में रहता ये देख तेरी औकात है क्या इधर आने के मेरा हाउस बोट देख ये देख ये बाथटब है मेरा इधर नहाता हूँ मैं ये देख ये टिश्यू पेपर देख ये देख तेरी माँ को बोल ये देख बाथटब देख मेरा ये देख ये हाउस बोट देख ये देख ऐसे हाउस बोट देख मेरी हाउस बोट देख ये देख हाउस बोट देख हाउस बोट देख ये देख हाउस बोट देख प्लाईवुड देख ये देख ये देख ये देख ये पानी में रहता है तेरा बाप ये देख ये जो है ना ये देख ये देख पानी देख औकात देख औकात तेरी बहन को चोदू तेरी पानी की तरह एक बार उड़ी मार हाँ ये देख क्या ये देख पानी देख तेरी इधर है पानी उड़ी तो मार ये देख व्यू देख व्यू देख ये देख व्यू देख और देख इधर बालकनी में सोता हूँ मैं ये देख इधर बालकनी में लाइव जाता हूँ ये देख इससे ज्यादा इससे तो मेरा कुत्ता सोता है मादर चोद बेड और ये जो पूरा हाउस बोट है ना सुन ये पूरा हाउस बोट है ना ये पूरा हाउस बोट तेरे बाप ने रेंट पे लिया ये औकात है तेरे बाप की समझा ये पूरा हाउस बोट ये देख
बहुत जबरदस्त। और तू मेरे को बता, ये पूरे हाउस बोट पे मैं अकेला रहता हूँ और तुम लोग एक खोली में 12 लोग अभी बैठ के दारू पी रहे हैं, मांडी को मांडी लगाकर, चिपक चिपक के बैठ के, चिपक चिपक के बैठ के। तेरी माँ स्टीयरिंग पे थी, तेरा बाप बेटू गिर डर रहा था, इसके लिए टाइटैनिक डूब गई। तेरी माँ का भोसड़ा मारू तेरी तेरी माँ को क्यों जरूरत थी टाइटैनिक में जाने की? हेलो मियां खलीफा, यार डेफिनेटली एक्चुअली आई एम जस्ट टॉकिंग टू वन ऑफ द इंडियंस कॉल्ड हिंदुस्तानी बाव, या बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू चैट टू यू, सो या लेट्स हैव गाला सेशन एंड गैदर ऑल योर बडीज एंड पैल्स एंड वी विल कंटिन्यू विद द सेम, बिकॉज आई रियली वांट टू यू नो डिस्क्लोज ऑल थिंग्स व्हाट हैपनिंग हियर एंड आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू यू इफ यू कुड टेल मी अबाउट द स्नूप डॉग पार्टी एंड द जस्टिन बीबर पार्टी व्हिच वाज हेल्ड देयर इन न्यूयॉर्क मैंशन, सो please send me all those photographs and we can really cherish all together. So thank you very much, Mia Khalifa. What you want to come live now at present on Snapchat? Okay, no problem. So this this guy is online and I will just disconnect him so we can continue, darling. So hey yo, Hindustani Bao. I just gonna chat with my gal Mia Khalifa. So could you please fuck off from here? नहीं मुझे एक्चुअली ये रेनकोट नहीं है, इससे एक्चुअली ये कश्मीरी आउटफिट है। ऐसा लग रहा है तेरे घर पे डॉली मोर भी आया था। ये कश्मीरी आउटफिट है और ये एक्चुअली इंडिया में खेतों में भी यूज करते हैं, जैसे इंडिया में इसको खेतों में भी यूज करते हैं। दीपक सुनना, मगर ये कश्मीरी लोगों को सूट होता है, तेरे को नहीं सूट होता है। ऐसा लग रहा है तेरे घर पे ना वो चिंचांग आया था चिंचांग डोरी बॉल, वो भोलू पतलू मोटू पतलू, ऐसा लग रहा है तेरे को। हेलो डार्लिंग, या आई एम गोना टेल हिम दैट यू इफ ही ट्राइज टू बी कबाब मैं हाथ दी आई विल जस्ट थ्रो हिम लाइक दूध का माखी। यस यस आई एम गोना टेल हिम जस्ट वेट। सुनो मियां खलीफा ऐसे कह रही है कि अगर वो कबाब में हाथ दी बनना चाहता है तो उसको दूध का माखी के जैसा फेंक दो, तो इसीलिए मैंने उसको कहा कि इफ ही इज ट्राइंग टू बी कबाब में हाथ दी आई विल जस्ट थ्रो हिम लाइक दूध का माखी। तो लेट्स प्लीज आई मीन जस्ट फक ऑफ बिकॉज मिया इज यू नो वेटिंग फॉर माई चैट्स एंड आई एम गोना हैव लाइव लवली सेशन विद मिया खलीफा। सो बाय डार्लिंग, जा तेरी बहन चूदा किधर तो अभी। दीपक दीपक सुनना, दीपक कट मत करना, तेरी माँ को छोड़ना है प्लीज। चलो तो ये तो हिंदुस्तानी भाऊ ये चाहता था कि मैं ये कट नहीं करूं लाइव, बट यू नो बाकी के लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्नूप डॉग मिया खलीफा एकॉन उसके बाद में 50 सेंट्स जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो सबके साथ मुझे अभी चैटिंग करनी है, वो मेरे एले के फ्रेंड्स हैं, तो इसीलिए मैंने ये हिंदुस्तानी बहन को लात मार के नीचे बिछाया है। तो होप सो कि आप लोग प्लीज बुरा मत मानना क्योंकि मैं आप लोगों से साथ जुड़ूंगा। सो चलो ऑल बाय, चलो शान्यो शान्यो।